सीखेंगे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में लेबल्स क्या होते हैं और इनको कंपनी के लोग लैंग्वेज में लेबल्स भी बोलते हैं या स्टिकर्स भी बोलते हैं, इन ये क्या होते हैं, इनको आज समझते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेस को समझते हैं कि ये लेबल्स कैसे लगते हैं और इसको इसका क्या फंक्शन, इसको कैसे बनाया जाता है। अच्छा जी, मतलब एक ऑर्डर मिला हमें, ऑर्डर किया, ऑर्डर को फिर आगे प्रोसेस किया करते हैं हम कि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वेंडर से माल खरीदते हैं, माल खरीद कर जब हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाती है तो फिर उस प्रोडक्ट को हम पैक करते हैं। ठीक है जी, पैक्स में उसको पैकेजिंग करके फिर हमने उस पर लेबल्स लगाने होते हैं या स्टिकर्स लगाने होते हैं जिसमें बताया जाता है कि जो आपका एक्सपोर्टर है, जिसको आप भेज रहे हो माल, उसका एड्रेस वगैरह उसको लिखा जाता है, फिर अपनी कंपनी के बारे में लिखा जाता है, फिर आपने प्रोडक्ट को बताना होता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये सारी स्पेसिफिकेशन लिख के उन लेबल्स को उन कार्टन्स पे, प्रोडक्ट के कार्टन्स पे पेस्ट किया जाता है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद फिर ये मतलब इनकी काउंटिंग होती है, इन पे नंबरिंग लिखी जाती है कि मतलब इस कार्टन में ये प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का ये कार्टन नंबर है। ये सारे कार्टन हमने सारे फिल करने होते हैं। ठीक है, मतलब इनको पैक करना होता है, पैक करने के बाद फिर इसको कंटेनर पे लोड करवाया जाता है, कंटेनर पे लोड करवा कर फिर उसको भेजा जाता है कस्टम ऑफिस में, जैसे कि हमारा यहाँ पे संबड़ियाल ड्राईपोर्ट है जहाँ से फिर आपका ये आगे शिप हो जाता है। अगर बाय सी जाना है या बाय एयर जाना है तो वो एयरपोर्ट पे जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। तो लेबल्स इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि आप एक्सपोर्टर को आगे जाके इजीली पता चल जाए कि इस कार्टन में क्या प्रोडक्ट है और इस कार्टन का क्या नंबर है। ठीक है, ये कहाँ से आगे कस्टम में जब उन्होंने सारा कंटेनर खोल के स्कैन करना होता है तो वो फिर इस लेबल से उनको आइडिया हो जाता है कि इस कार्टन के अंदर क्या चीज़ है। तो ये लेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सपोर्ट में। इसको बनाते कैसे, सो सिंपल, ये वर्ड में भी मान सकते हैं, एक्सेल में भी मान सकते हैं, ये आई होप सो आप समझ जाएंगे, कोई इतना मुश्किल है नहीं। शायद मैंने इस पे पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि हम लेबल कैसे बनाते हैं। तो सो इजी, टेबल लेके दो कॉलम और दो रो लेके उसमें आपने लिखना है। ये देखिए, फर्स्ट ये है वाशिंगटन सर्जिकल इंटरनेशनल, ये हमारी कंपनी का नाम है। ठीक है जी, ये हमारी कंपनी और एड्रेस है। हम किसको भेज, किसको कंसाइन कर रहे हैं, किसको शिप कर रहे हैं, टू बाल्टीमोर सीपोर्ट यूएसए। बाय एयर करेंगे तो एयरपोर्ट, बाय सी करेंगे तो सी यूएसए। जो भी आपका क्लाइंट है, जहाँ पे भी आपका कस्टमर है, वो आपने उसका नाम लिख देना है। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिखना होता है ये डिस्पोजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हर डिपार्टमेंट का, हर कंपनी का, आप लेदर में हैं, गारमेंट्स में हैं, तो वो आप जो मर्जी इस पे टाइप कर सकते हैं। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर इसमें क्वांटिटी बतानी होती है कि इस कार्टन में कितनी क्वांटिटी है, 500 पीसीज है। डिस्क्रिप्शन में ये बताना है कि क्या कंपनी, क्या प्रोडक्ट क्या है, मॉस्किटो फॉर्सेप्स यूवीडी 500, ये हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, सर्जिकल की। फिर उसका यहाँ पे ये कैटलॉग नंबर है, ये जो है ना, ये कैटलॉग नंबर है, यानी कि ये नंबर हमने अपने और जो कस्टमर है उसकी सहूलियत के लिए दिया जाता है कि भाई फटाफट कर ये कोड जनरेट करें, ये कोड है इसका बार कोड, ये कोड पता चल जाएगा कि इस कोड से कि ये वाली आइटम है। फिर यहाँ पे हमारा FDR रजिस्ट्रेशन नंबर है। फिर ये लॉट नंबर होती है, ये लॉट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉट नंबर से आपको ये पता चलता है, ये आइडिया, एक ये स्पेसिफिक आप टर्म दे देते हो या कुछ नंबर जनरेट कर लेते हो कि जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस मामले कौन सी शिपमेंट भेजी, कंसाइनमेंट भेजी, नेक्स्ट कंसाइनमेंट कौन सी भेजी, या पिछली कंसाइनमेंट में क्या प्रोडक्ट है। ये अपनी कंसाइनमेंट को, अपनी शिपमेंट को एक पर्टिकुलर नंबर देने को लॉट नंबर बोलते हैं कि इस लॉट में ये चीज़ें गई हैं। जैसे कि इसको मैं अब्रीविएट करूँ, इसको सिंपल करूँ, तो WSIV के वाशिंगटन सर्जिकल इंटरनेशनल, ये हमारी कंपनी, ये फलाने, यानी कि 2020 में, 2021 में, 2022 में ये ईयर आ जाएगा, और ये हमारी शिपमेंट कंटेनर का नंबर आ जाएगा कि शिपमेंट का, कंसाइनमेंट का नंबर आ जाएगा कि 290, यानी कि लास्ट मंथ हमने 290 भेजी है। अब नेक्स्ट हम जब भेजेंगे उसका नंबर रह जाएगा। हमने ये डिसाइड किया कि हम 55 का गैप रखते हैं, 290, फिर जो नेक्स्ट हम शिपमेंट भेजेंगे 295 कर देंगे, नेक्स्ट भेजेंगे 300 कर देंगे। अपनी अपनी कंपनी के हिसाब की पॉलिसी होती है, 291 भी हो सकता है, 292 भी हो सकता है। फिर यहाँ पे कार्टन नंबर, ये कार्टन नंबर हमने एक
देखिए ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसका कार्टन, इस कार्टन में ये चीज़ है और इसका कार्टन नंबर ये है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम पैकिंग बनाएंगे, जब हमें ऑर्डर हमारी पैकिंग, अब नेक्स्ट हम वीडियो आएगी उसमें पैकिंग लिस्ट भी पे डिस्कस करेंगे, पैकिंग लिस्ट कैसे बनती है। तो पैकिंग लिस्ट से आपको नंबर जनरेट होते हैं, आपकी जो लेबर होती है जो ये लेबर पेस करती है वो काउंटिंग कर रही होती है, साथ साथ लिख रही होती है, तो वो पैकिंग लिस्ट से ये सारा कुछ पता चल जाता है। ठीक है, फिर ये कार्टन नंबर, फिर नीचे हमने ये मेड इन पाकिस्तान, कीप ड्राई हैंडल विद केयर, कीप ड्राई हैंडल विद केयर, आजकल तो हम सैनिटाइज का भी लिख रहे हैं कि सैनिटाइज करना होता है वो यहाँ पे लिख के, तो हम ये लेबर करके दे देते हैं। और ये जो एक्सपोर्ट मैनेजर है उसका ये भी प्रोसेस हो सकता है, ये भी काम हो सकता है कि वो लेबर्स को कैसे जनरेट कर, लेबर्स बनाए फिर उसको काउंटिंग करके पेश करें। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि लेबर्स क्या होती हैं, लेबर्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या फंक्शन है, किस लिए बनाए जाते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे बनाए जाते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो शॉर्ट ही वीडियो में आप लेबर्स और स्टिकर्स, क्योंकि हमारी जो सियालकोट की यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वहाँ पे लेबर्स स्टिकर्स ये बनाने, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया सर्जिकल का, लेदर का, गारमेंट्स का, एक्सपोर्ट का, जो भी आपने एक्सपोर्ट करनी हो। तो अच्छा, एक और चीज़ वो मैं आपको नेक्स्ट साथ ही मैं आपको एक इमेजेस अपलोड करता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये फाइनल जो हमारा जो कार्टन है वो किस शेप में आता है, जब ये लग के आता है तो उसको फाइनल हमने बना के फिर कंटेनर में फिल करना होता है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।